किया है जो हर किसी इंडियन का दिल छू गया है, और आज स्पेशली यहाँ पर हम जाना चाहेंगे क्योंकि बच्चों का ये मानना है कि बहनों के साथ में बड़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं और आप तो सबसे फिटेस्ट रह चुके हैं बॉलीवुड में, तो मुझे बताएं सर कि बहनों से बचने के लिए, वैम्पायर वाले नाखून से बचने के लिए आप क्या क्या अपनाते हैं, क्योंकि चार चार बहनें हैं आपकी। कुछ उल्टे काम ही मत करो, सीधे रहो, अगर वो कुछ कहे आपको, कुछ मांगे तो दे दो चुपचाप, आप भाई हो दे दो। हमने तो यही सीखा है। देखो हमको, मेरे घर में जब मेरी बहन पैदा हुई थी, मैं कभी चार साल तक, तब से लेके आज तक, मेरे माँ बाप ने एक ही बात बोली है, बेटे घर में देवी है, ये देवी है, ये हमारे घर की देवी है। हमने तो यही सीखा है, बहन मतलब देवी, भाई मतलब राक्षस। तो ये हमने तो यही सीखा। तो फिर ऐसे काम ही मत करो जो नाखून पारे, तो चाहे जो मांगे दे दो। सर, इस राक्षस ने कभी रिमोट के लिए लड़ाई की घर में? नहीं, मेरी औकात ही नहीं थी लड़ने की, मेरी औकात ही नहीं थी लड़ने की, और ऐसे भी कभी मौका ही नहीं दिया। और मेरी जो सिस्टर है अलका, वो जितने लोग जानते हैं सर में सच मिल चुके हैं, वो बहुत मतलब लड़ाकू बनती है, वो बहुत चुपचाप रहती है, आराम से है। और हमारे घर में एक ही है, एक ही तो उनका घर चलता है, और वो है हंसी का, बस हंसते रहे, हर चीज मजाक है। घर में पैसे नहीं थे तभी मजाक, जब घर में पैसे आ गए तभी मजाक, बस। मैं तो बोलता हूँ, मुझे तो वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो कभी कभी ना सुबह सुबह जोक्स भेज देते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है वो जोक, SMS पढ़ो और हंसो। कभी कभी गंदे बेकार से जोक भी भेज देते हैं जो हंसी में आती है, उन लोग अच्छे लगते हैं जो जोक भेजते। बेस्ट पार्ट अबाउट व्हाट्सएप, एक ही बेस्ट पार्ट अबाउट व्हाट्सएप है कि वो जोक्स अच्छे आ जाते हैं, वो पढ़ के हंसते रहते हैं। सर, एक साल डेढ़ साल में बहनों के साथ में यहाँ नोकझोंक हुई है, क्योंकि हमारी सारी बहनें बड़ी शरारती सी दिख रही हैं स्क्रीन पर, तो सर ऐसा कुछ हुआ है यहाँ? तो इसका बात ये बताओ, ऐसा कुछ हुआ? अपना नाम बताओ। हाय, नमस्ते, मेरा नाम रुपिका खन्ना है, और नोकझोंक तो मुंबई की रहने वाली हूँ। कमिंग टू नोकझोंक, हमारी बहुत नोकझोंक होती है, हम अब रील नहीं रियल सिस्टर्स भी है, हम बहुत मजे करते हैं, हम लड़ाई टॉक करते हैं, पर एक दूसरे से प्यार उतना ही ज्यादा बढ़ता गया जैसे जैसे हम साथ में रहने लगे, सो आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ इट, और वो होना चाहिए बिकॉज दैट्स अ चार्म। अभी आप लोगों को बताओ, अभी हम लोग पांचों प्लेन में आए, इन लोगों ने मेरे साथ शर्त लगाई कि लूडो खेलते, मतलब लूडो खेले हम, और फिर ये लोग शर्त ये थी कि जहां जहां इस फिल्म के लिए मैं पब्लिसिटी के लिए जहां जहां जा रहा हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा हैदराबाद, और फिर हैदराबाद से अहमदाबाद, फिर उसके बाद जयपुर, बहुत सारी जगहों पर जा रहे हैं, तो सब जगह जाके इन चारों को लेके जाना है और इनको शॉपिंग करानी है। तो ये मैं शर्त हार गया हूँ, तो मेरा काम है कि इनको शॉपिंग देना, तो यहाँ भी इनको मैं अभी जीता है तो ये कहते हैं कि यहाँ का हमें खाना खाना, तो यहाँ इनको कहाँ जाए,